नमस्कार मित्रों, हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे कि बसंत पंचमी नाम से जाना जाता है, जो कि बड़ा ही पवित्र त्योहार है। इस बार ये कल 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन मां सरस्वती के बीज मंत्र एम का उच्चारण करके इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है। जिनकी बुद्धि कमजोर है तो उन्हें बुद्धि और याददाश्त, जिनकी कमजोर है तो उनकी याददाश्त मजबूत होती है, और विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उच्च कोटि की साधना ये मानी जाती है। इसके अलावा जो संगीत से संबंधित रहते हैं, गायन के अंदर जिनकी रुचि है, तो उनके लिए भी यह बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है। ऐसे समय में इस बीज मंत्र को सिद्ध कर लेना बड़ा ही जरूरी माना जाता है। अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी लेखन, शिक्षा, ज्ञान, कला, संगीत, बुद्धि इत्यादि के अंदर अगर आप पारंगत होना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं होती है तो व्यक्ति के पास धन भी नहीं टिकता, और इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ में सरस्वती जी की पूजा होती है। इनकी पूजा सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, अपितु सभी को करनी चाहिए। अपने घर के अंदर सरस्वती माता की तस्वीर, जिस तस्वीर में उनके हाथों में वीणा है और वे हंस के ऊपर विराजमान हैं, इस तस्वीर का पंचोपचार पूजन करके पुष्पमाला हार द्वारा पूजन किया जाता है, और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। बसंत पंचमी तिथि 25 जनवरी को दोपहर में शुरू होकर के 26 जनवरी के प्रातः 11 बजे तक रहेगी। वैसे 26 जनवरी को पूरे ही दिन बसंत पंचमी का प्रभाव रहेगा, और इस दौरान बीज मंत्र एम को अवश्य ही सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार का नया मंत्र या सारस्वती मंत्र धारण करने के लिए भी बसंत पंचमी बड़ा ही एक विशेष मौका होता है। और जो भी साधक होते हैं, जो कि मंत्र जप या नई साधना या किसी साधना में साधनारत है, उनके लिए भी बड़ा ही सुनहरा अवसर माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन गरीब बच्चों को शिक्षा से जुड़ी हुई वस्तुएं दान करनी चाहिए। इसके अलावा प्रातः उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा किसी नया एडमिशन फॉर्म भरने के लिए या कोई नौकरी से जुड़ा हुआ फॉर्म भरने के लिए भी बसंत पंचमी बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है। और ऐसे दिन नई कलम इत्यादि, नई पुस्तकें, रोकड़ बहियां इत्यादि भी खरीदनी चाहिए। इससे कि हर प्रकार के लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और घर में शांति का वातावरण इस दिन बनाना चाहिए, और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इसके अलावा मुख्य रूप से सरस्वती वंदना अवश्य करनी चाहिए, देवी सरस्वती का पूजन करना चाहिए, और बीज मंत्र एम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से कई साधक इस मंत्र को 1,25,000 की संख्या में सिद्ध कर लेते हैं। अगर इस बीज मंत्र को तांबे के शुद्ध और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र के सामने, सरस्वती यंत्र के सामने रख करके, और अगर अनुष्ठान किया जाए और इस मंत्र को ग्रसित कर लिया जाए, साक्षात उस व्यक्ति के जीवा पर सरस्वती का वास होता है, और वह सबका अपनी आवाज से मन मोह लेता है, और हर प्रकार से वह कला, संगीत इत्यादि के अंदर पारंगत होता है, और उसकी कीर्ति अवश्य स्थापित होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साधना बड़ी ही उपयुक्त मानी गई है। इसलिए अवश्य ही योग्य गुरु के दिशा निर्देश के अंदर यह साधना अवश्य करनी चाहिए, और सरस्वती माता का पूर्ण रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ में अवश्य ही कल पूजन करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में कल 12:30 या 12:45 तक अवश्य ही पूजन करना चाहिए, और पेन, पेंसिल
इत्यादि वस्तुओं का बच्चों में दान करना चाहिए और पुस्तकें भी गरीब बच्चों में बांटनी चाहिए। धन्यवाद।